पूरे देश का दिल दोस्तों अभी इस वक्त दुख से, दर्द से कहरा रहा है। जिस तरीके से दोस्तों एलिगोनी रोया, जिस तरीके से दोस्तों एलिगोनी ने अपने इमोशंस शो किए, जिस तरीके से अपने प्यार का इजहार किया और जिस तरीके से उसने जैस्मिन की गोदी में अपने आप को समा के उसे ये तक बोल डाला कि बिग बॉस मुझे भी बाहर करो, लिटरली दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों दिल यहां पे सिर्फ एलिगोनी ने ही नहीं जीता, जैस्मिन के जाने के बाद रूबीना का भी दोस्तों एक बहुत ही ऑनेस्ट, देखो इसे कहते हैं एक सच्चाई, इसे कहते हैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन जो कि रूबीना रखती है। रूबीना ने हमेशा जैस्मिन को अपनी दोस्त समझा है दोस्तों, और आपको बताना चाहता हूं कि वो बार बार वक्त वक्त पर यही बात कहते हुए नजर आती है कि जैस्मिन तू गलत जा रही है, जैस्मिन तू इस चीज को गलत ले रही है। मैं राहुल भोज आपका स्वागत करता हूं फीफा फूज में, बिग बॉस बोलते फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बात करेंगे दोस्तों हम रूबीना के उस पाक दिल की, उस सच्चे दिल की जो कि आज हमें देखने को मिला है। हम सबको पता है यार, हम सब जानते हैं कि रूबीना अपनी बेस्ट फ्रेंड, छोटी छोटी बहन की तरह उसने जैस्मिन को रखा। जैस्मिन गई, जैस्मिन एक दिल नहीं दोस्तों काफी दिल तोड़ के गई, जहां पे अभिनव भी बहुत अपसेट दिखाई दे रहा है, वहीं रूबीना भी इस बात को लेकर कह रही है कि काश उसने मुझे एक मौका दिया होता और मैं सारी चीजें क्लियर कर देती, मैं सारी चीजें उसके सामने रख देती। और देखो अगर आप देखेंगे ना, रूबीना ने कोशिश हमेशा करी है। यहां पे रूबीना का पक्ष ले रहे हैं या जैस्मिन को बैश कर रही है, नहीं, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ कहना चाहता हूं ह्यूमैनिटी की बात, इंसानियत की बात कहना चाहता हूं दोस्तों, जो कि रूबीना में नजर आती है। आप चाहे कहीं से भी देख लें, डे वन से देख लें अब तक, आप इसको तो आप सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते, राइट? जैस्मिन जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैस्मिन ने तो ब्लेम कर रहा है, जैस्मिन ने तो क्या क्या नहीं बातें बोली है, जैस्मिन ने रोटी तक नहीं दी है, खाना तक नहीं दिया इन लोगों को, पानी तक नहीं दिया है रूबीना को। So, इस बात को रूबीना चाहती तो वो कह सकती थी, लेकिन उसका एक बड़ा दिल देखिए, उसका दोस्तों इस तरीके का जिगरा देखिए जो कि इस बात को रखता है कि ये गलत है, मुझे एक मौका मिलता तो मैं डेफिनेटली जैस्मिन को चीजें समझाने की बात करती, सारी चीजें क्लियर करती। दोस्तों आपको क्या है कहना रूबीना के इस बड़े दिल को लेकर, रूबीना के साफ दिल को लेकर, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताएं। और बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। जस्ट अभी रिव्यू आने वाला है हमारा, तो प्लीज वेट कीजिएगा एंड जाइएगा नहीं कहीं भी। थैंक यू सो मच।